और वहीं गणगौरी हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा है कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारी सरकार पर है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने कहा कि आरटीएच लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। साथ ही साथ कहा कि सरकार का लक्ष्य है निरोगी राजस्थान। मंत्री महेश जोशी से खास बातचीत की गई है और खास बातचीत की है मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी ने। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के लिए आज बड़ा खास मौका है। गणगौरी हॉस्पिटल को कई बड़ी सौगात आज मंत्री महेश जोशी ने दी है। हमारे साथ खुद मंत्री जलदाय मंत्री महेश जोशी, हम बात करते हैं सर, कई बड़ी सौगातें आज अस्पताल को मिली। देखिए, जनता का विश्वास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे है, राजस्थान की सरकार पे है। उन अपेक्षाओं को पूरा करना, उस विश्वास को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी ने आरटीएच लागू करने की बात कही थी, आज पूरा देश ये देख रहा है कि आरटीएच लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी को का आभार और राजस्थान की जनता का आभार, जिसने हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्णय के साथ खड़े रहकर मुख्यमंत्री जी के निर्णय में विश्वास रखा। और यह विश्वास ही मुख्यमंत्री जी की, किसी भी नेता की बहुत बड़ी ताकत होती है कि जनता विश्वास रखे, उस विश्वास को बनाए रखने की जो कोशिश होती है वो ताकत के रूप में होती है। राजस्थान की जनता को बधाई। और ये जो सौगातें हम दे रहे हैं, ये सौगातें मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है। सर, चिकित्सा सेवाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, उसमें क्लेम की राशि को बढ़ाओ या आरटीएस लागू किया हो, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य एक निरोगी राजस्थान। किसी की बीमारी हो वो बिना किसी संकोच के इलाज करा सके और ठीक हो जाए और अपने आप को निरोगी समझे। तो जो मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी निरोगी राजस्थान की, लक्ष्य हमारा निरोगी राजस्थान है। ये सब उसकी कड़ियाँ हैं। तो ये आरटीएच जो है, ये लोगों को इलाज के हिसाब से, लोगों की बीमारियों को ठीक करने के हिसाब से, और भगवान ना करे कभी किसी के यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस वक्त भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करें। उनको 10 लाख रुपए का जो एक्सीडेंट क्लेम है वो भी देने की इसमें व्यवस्था है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस दूरगामी सोच के लिए एक बार फिर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ावा देते हुए एम्बुलेंस सहित कई बड़ी सौगातें आज गणगौरी हॉस्पिटल में दी गई है और ये लक्ष्य, ये प्रयास लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ दिनेश तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।